तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं निकालने जा रहा हूँ आइज, पोर्ट्रेट आइज। तो इस वीडियो यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारे ड्राइंग के वीडियो देखने मिलेंगे, जैसे कि वाटर कलर, स्केचिंग, शेडिंग, ट्यूटोरियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने बेसिक प्रोपोर्शन के साथ स्टार्ट किया है। तो मैंने बेसिक प्रोपोर्शन के स्टार्ट किया है क्योंकि जो बिगनर लेवल होती है उनको ज़्यादा ड्रॉ करने नहीं आता। वो ऐसे ही यूट्यूब पे जाके कहीं से भी वीडियो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरा रिकमेंड है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा कि क्या आप गलती कर रहे हैं आपके ड्राइंग में। तो इधर मैंने आईज ड्रॉ करने की स्टार्ट किया, मैंने फर्स्ट आईब्रो ड्रॉ किया, फिर आईज के बेसिक प्रोपोर्शन स्टार्ट किया। तो गाइस, आप शेडिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि जो लाइट एंड आप शेड है वो तो आपको इजीली आ जाएगा, बट जो आपके बेसिक प्रोपोर्शन है, जो आपका स्केच की आउटलाइन है, वो सॉल्यूशन फोटो के साथ मिलनी चाहिए। अगर वो ही आपकी ड्राइंग मिलती नहीं है तो आप कैसे शेडिंग कर सकते हैं। हाँ, भले आपको एक आर्टिस्ट बनना है, ये रियलिस्टिक और आर्टिस्ट का मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में भी डायरेक्ट ड्रॉ करना चालू किया था, पर ऐसा नहीं, आप बेसिक प्रोपोर्शन के साथ स्टार्ट कीजिए क्योंकि वो बेटर रहता है। तो मैंने इधर आईज की शेडिंग स्टार्ट की है। पहले मैं नीचे का पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो नीचे का पार्ट होता है वो ज़्यादा डार्क वाली होता है। जो हमारे आईज के नीचे का पार्ट होता है ना, वो उधर ज़्यादा लाइट नहीं गिरती है, जो डार्क वाली है वो फर्स्ट निकलनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया है, तो फिर वापस मैं ऊपर का साइड ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको क्रॉस या स्ट्रेट या कौन सी भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं शेडिंग के ऊपर, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर उस टेक्निक आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी टेक्निक यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक में फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने इधर स्टेडलर की पेंसिल ली है, तो मैं आईज को शेड कर रहा हूँ। ये डार्क पेंसिल है, इसलिए फ्रंट ड्रॉ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्ट किया शेडिंग डार्क वाली करने के लिए। तो गाइस, आप है ना, जो शेडिंग होती है वो अच्छे तरीके से स्लो स्टेप बाय स्टेप करिए। तो फर्स्ट लाइट पेंसिल लीजिए, फिर उससे ज़रा डार्क लीजिए, फिर उससे बहुत ज़्यादा डार्क लीजिए। अब डायरेक्टली मत डार्क पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे तो वो उतना रियलिस्टिक और उतना मज़ा नहीं आता। तो अब स्लो स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। तो मैं अभी आईज के अंदर का पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। आईब्रोज को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्केचेस में या कुछ फोटो रेफरेंस फोटो में जो आई होती है और उसके ऊपर का जो आईब्रो रहता है वो लाइट एंड डार्क, मतलब कौन सा भी उनका शेप होता है, तो वो जो शेप होता है और वो आई और आईब्रो के बीच का डिस्टेंस वो आपको अच्छे मेंटेन करना पड़ता है। निकल लिए मैंने और मैं आईब्रो के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। तो आईब्रो के ऊपर डार्क वैल्यू मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि जो रेफरेंस फोटो है उसके डायरेक्टली सब डार्क पार्ट नहीं है। तो अब मैंने 6B पेंसिल ली है। मैंने आपको कहा था स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग, सॉरी, स्टेप बाय स्टेप आप स्केचिंग करिए, हैशिंग करिए स्टेप बाय स्टेप, तब भी आप एक वेल आर्टिस्ट बन सकते हैं।
अगर आप डायरेक्टली सब प्रोपोर्शन चाहते हो तो उसमें टाइम है, मे बी अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं लेता क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो स्टार्ट तो इधर मैं शेडिंग ज़रा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट लेयर पेंट लिया है, अब मैं डार्क कर रहा हूँ। डार्क वैल्यूज अब ज़्यादा अच्छी तरीके से कीजिए क्योंकि उधर पेंसिल आपको डार्क पकड़नी होती है और जिधर आपको पेंसिल लाइट पकड़नी होती है उधर आपको लाइट पकड़नी पड़ती है। अगर आपने डार्क जगह पर लाइट पेंसिल यूज करनी चालू की पर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप डार्क पर पेंट फर्स्ट लेयर बाय लेयर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी कर सकते हो। मैंने अब आउटलाइन की 6B पेंसिल ली है क्योंकि जो शेडिंग होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो फर्स्ट आई कंप्लीट होने आ रहे तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे तरीके से आप ड्रॉ करिए, इसमें आपका ही प्रॉफिट है। और अगर प्लीज़ गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो प्लीज़ गाइस कंप्लीट कर दो। तो गाइस अब जो आई थे उसका बाहर का पार्ट हम करेंगे क्योंकि अंदर का पार्ट है वो हो गया है। मैंने ये इस वीडियो में वॉइस ओवर करा है क्योंकि मेरे पास अच्छा कोई सेटअप नहीं है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करके इस वीडियो को अपलोड किया है। तो अब मैं ज़्यादा बाहर का पार्ट हाथ से ब्लेंड करूँगा क्योंकि कुछ पार्ट्स होते हैं जो आप ब्रश से ब्लेंड नहीं कर सकते और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि आप हाथ से नहीं ब्लेंड कर सकते। जो अंदर के पार्ट्स होते हैं मतलब जो स्केच के अंदर के पार्ट्स होते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश और अदर कौन सा भी टिश्यू वगैरह आप वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे कीजिए, पर जो बाहर के पार्ट्स हैं ना वो आप हैंड से ही रब कीजिए क्योंकि हैंड से जो टेक्सचर आता है वो अच्छा आता है। और इसमें मैंने ड्राइंग बुक जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है वो ड्राइंग बुक ली है। तो अगले वीडियो में आपको ब्रांडेड पेपर नहीं आपको अभी से लेना है, पर आपके रिजल्ट अच्छे आने के लिए मैं अगली वीडियो में अच्छे क्वालिटी के पेपर लाऊंगा, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अगला वीडियो पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में मैं आपको एक ही आई ड्रॉ करके दिखाऊंगा और पार्ट 2 में आपको मैं दोनों आईज उसको कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो शेडिंग स्टार्ट की है मैंने, 10B पेंसिल ली है क्योंकि जो तो मैंने अभी स्टार्ट किया है बाहर की शेडिंग स्टार्ट करिए। तो मैंने अभी फिंगर से रब करना स्टार्ट किया है, मैं अभी मेजरमेंट ले रहा हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल